हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती। रतनलाल सी भावनाथ ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। एक तरफ मनपा जलगांव में नालों की साफ सफाई की बात कह रही है। मनपा के अधिकारियों का कहना है कि बहुत हद तक साफ सफाई हो चुकी है और काम शुरू है। जलगांव शहर प्रमुख पांच नाले असून पाची नाल्यांची साफ सफाई मुक्तिदाराच्या कंत्राटाद्वारे आम्ही सुरू केलेली आहे। त्याची जबाबदारी प्रभागनिहाय प्रभाग अधिकाऱ्यांवर सोपवलेली आहे। एवढेच नव्हे तर शहरातील जे 67 उपनाले आहेत त्या 67 उपनाल्यांपैकी 50% उपनाल्यांची साफसफाई आजच्या तारखेपर्यंत पूर्ण झालेली आहे आणि 31 अखेर आम्ही संपूर्ण जळगाव शहरातील नाले साफसफाईचं नियोजन केलेलं आहे आणि ते पूर्ण करण्याची आमची तयारी आहे। आइए देखते हैं और बात करते हैं नागरिकों से कि कैसे हो रही है नालों की साफ सफाई। एरिया अब तक के प्रतिनिधि धर्मेंद्र राजपूत ने जलगांव में हो रही नाले की साफ सफाई का जायजा लिया और आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से नालों की सफाई हो रही है। अगर इस तरह से साफ सफाई होगी तो नालों में पानी बहेगा कैसे। यहाँ जो भी गंदगी निकाली जा रही है ये नालों के किनारे ही जमा की जा रही है और ये भी तय है कि अगर इन्हें नहीं उठाया गया तो पहली ही बारिश में ये वापस नालों में जा गिरेगी। नागरिकों ने भी मनपा के इस कारोबार पर नाराजगी जाहिर की है। और जिस तरह से काम चल रहा है उस तरह से एक मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ये है कि ये जो नाले के अंदर से जो गंदगी निकाल रहे हैं ये बाजू में लगा रहे हैं, ये जब बरसात आएंगी तो ये वापस नाले के अंदर पानी से बह के आने वाली है। इसको अगर प्रशासन ने निकाल के बाहर फेंकने की व्यवस्था अगर करते हैं तो इसका पब्लिक को बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से अगर कचरा बाहर डंपिंग पे जाता है तो वो रिटर्न यहाँ नहीं आएगा नाले में, और उसका फायदा सभी को होगा। और पूर के समय जब बरसात में पूर आएगा उस समय पब्लिक को यहाँ आवन जावन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वैसा नागरिकों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। लोगों के घर में पानी जाने वाला है, लोगों के इसमें लोगों को तकलीफ होने वाली है। जो जैसा करने को होना वैसा कर रही नहीं नगर पालिका, जैसा उन्होंने करने को ना सब कि भाई क्या प्रॉपर आने को ना यहाँ पे अधिकारी ने देखने को ना यहाँ पे कि भाई कौन से हिसाब से काम करना है। अधिकारी वहाँ पे बैठ के और कर्मचारी को यहाँ पे भेज के यानी ये साइट में लगा रहे, ये कौन सी बात है, ये कौन सी नाले साफ सफाई कर रहे हो। साफ सफाई के लिस्ट नहीं है आता पर्यत नगर पालिकेचे जे शिपून आलं नाही, ट्रॅक्टर बी आलं नाही, जे शिपिन ते काय करतात नाला साफ करतात, ती तेच टाकतात बाजूला आणि तेच परत खाली येतं। पावसाळ्याचा पूर आला की ते परत खाली येतं आणि परत ते घाण साचते। आता पण किती घाण साचली आहे, चुकते उठे तशी नकोच केलं पाहिजे, ते ना करायला पाहिजे, खर्च आहो का आपलं घरपट्टी येतात सर्व सर्व येतात तुम्ही आणि मग का घाण का करता हो। असे आमचा नाला आहे नगर शोक लक्ष ठेवताना आमचे समाज कार्यकर्ते ते तरी थोडंफार काही ना काही करताय, पण आमचे जे नगर शोक आहे वार्डाचे ते नाल्याच्या वरच अजूनपर्यंत ध्यान देता नाही आहे। म्हणजे थोडंसं पाणी पडलं कमी पडलं तेवढ्यात घरात पाणी घुसतं, तर याचं कसं करायचं काय करायचं म्हणजे आमचं कोणचे नगर शोक लक्षात घेत नाही आहे। याचं एवढी घाण आहे नगर आपल्या नाल्यामध्ये, थोडंसं पाणी पडलं का घरात पाणी घुसू जातं। महापालिकेचा एक नगरपालिकेचा एक बी माणूस येत नाही आहे, कोणचा नगरपालिकेचा कर्मचारी ध्यान बी देत नाही की अरे कसं पाणी जास्त आहे कि कसं पाणी घरात घुसते, नगर शोक येत नाही, कोणतात नगर शोक येत नाही, साफसफाई झाली साफसफाई तर होतच नाही साफसफाई तर। इस तरह से अगर नालों की साफ सफाई हुई तो बरसात में बाढ़ के निशान बन सकते हैं और परेशानियों के साथ साथ खतरा भी बढ़ जाएगा। मनपा के कर्मचारियों अधिकारियों को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और लीपा पोती के काम बंद कर देने चाहिए। आखिर ये नागरिकों की जिंदगी और मौत का सवाल है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।